पहले तो आप माफी मांगो जनता से लास्ट टाइम आपने आपने ऐसी कहानी बता दिया भाई आपने सब कि को। जिसको जो सुन ले उसे श्राप लग जाए मैं ऑडियंस को बता दूं हमने भी सुनी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ आपके साथ भी कुछ नहीं होगा टेंशन मत मतलब मैं ये बता दूं कि वो मतलब कहानी है बहुत पुरानी है पुराने टाइम चलती आ रही है पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब सबसे पहले अगर होता तो भाई मेरे साथ होता मैं आपके सामने बैठा ना होता तो ऐसा कुछ नहीं है उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुराने टाइम की बात बात थी ठीक है जिनको नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बिल्कुल तो भाई शुरू हो जाओ जी भाई तो भाई पहली बार तो आप दो आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरे भाई, भाई। तो आज की जो कहानी है भाई ये मेरे बचपन की कहानी है हम बचपन में रहते थे जहाँ दिल्ली के दिल्ली की कहानी है ये तो हमारे सामने एक स्कूल था सरकारी स्कूल है वो और तब मैं रहा हूँ भाई सिक्स सेवन्थ क्लास की बात है क्योंकि सिक्स सेवन्थ में बच्चा इतना छोटा तो होता है, नहीं है हमें पूरा पूरा ध्यान है मेरे को किस तरह से वहाँ ये चीज़ें जो घटना हुई थी एक स्कूल की घटना है तो भाई वो बॉयज हॉस्टल हॉस्टल कह रहा हूँ बॉयज स्कूल है वो जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक शिफ्ट में और सुबह की शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं इस तरीके से चलता है तो भाई बॉयज था बॉयज स्कूल है तो आपको पता ही है भाई लड़कों की हरकतें थोड़ी होती हैं और वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लड़के थोड़े होते हैं उल्टे सीधे हरकतें करते हैं मतलब मौज मस्ती है मौज मस्ती वाली हरकतें हैं तो भाई क्या हुआ कि स्टाफ में एक बार टीचर में मैडम मैडम आ गई एक जो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें और भाई काफी जवान मैडम थी मतलब काफी एज उनकी कमी रही होगी अच्छा तो स्कूल में अक्सर टीचर लोग सिर्फ मेल ही थे हाँ भाई मोस्टली ना पता ये करते हैं कि बॉयज वाली जो शिफ्ट में कि मेल टीचरों को डाला जाए क्योंकि थोड़े लड़के बदतमीज होते हैं करते हैं हरकतें हा वो बॉय स्कूल था तो

तो भाई ऐसा होता रहता था मैम के साथ बीच बीच में ना तो मैम ने शिकायत भी करती थी प्रिंसिपल सर से कि बच्चे मेरे को उसमें सर छेड़ते रहते हैं कभी बाहर स्कूल छुट्टी में मैम को पीछे से कुछ कह दिया इस तरीके से तो वो होता रहता था तो मैम भी काफ़ी परेशान थी अब जो दो तीन बच्चे थे भाई जो भाई अब ये है कि सब तो नहीं होते पर कुछ बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंड थे जो जिन बच्चों का ना जो चार पांच बच्चों था उनका उनका दिल पूरी तरह आ रखा था मैम के ऊपर कि भाई मैम बड़ी अच्छी लगती है मेरे को मैम के साथ ये हो जाए वो हो जाए मैम के साथ डेट पर चला जाऊँ इस तरीके से उनकी बातें थी अब भाई टीचर तो इतनी तो डांट डांट फटकार दिया प्रिंसिपल ने कभी ये कर दिया वो कर दिया उन्हें थोड़ी बता दी कि चीज़ें थो, थोड़ी सीरियस हो जाएंगी तो भाई एक दिन था स्कूल में कोई फंक्शन एनुअल फंक्शन वगैरह हो रखा होगा तो मैम जाती है तो फंक्शन हो रहा था बीच में ग्राउंड में सब बच्चे वहाँ बैठे हुए थे पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था तो भाई मैम जाती हैं अब वहाँ पर दो फ्लोर बने हुए थे स्कूल के फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तो वो जाती हैं वॉशरूम वगैरह उन्हें जाना होता वो जाती है वो उठ के जाते हैं वॉशरूम वगैरह तो बच्चे देख लेते हैं कि मैम जा रही हैं वॉशरूम ऊपर उस वाले फ्लोर पर अब सारे चीज़ सारे जो टीचर्स वगैरह हैं बच्चे वगैरह सब सारे ग्राउंड में थे और फ्लोर वगैरह सब खाली पड़े थे तो भाई बच्चे देख के ना कहते हैं भाई चल मैम के पीछे चलते हैं तो चार पांच बच्चे उठ के मैम के पीछे निकलते हैं कि मैम को देखेंगे वॉशरूम जा रही हैं मैम इस तरीके से तो भाई जाते हैं अब भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जाते हैं बच्चे और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है उस वक्त वॉशरूम में घुस जाते हैं अच्छा। और लगा लेते हैं कुंडी और मैम के साथ भाई और ये चीज बोलने में बहुत बुरी लग रही है मेरे चारों बच्चे मेरी कॉलोनी के जस्ट सामने वो स्कूल है अच्छा तो आपको पता है इस चीज पे तो मैम के साथ रेप कर देते हैं अच्छा। जितने भी वो चार पांच बच्चे होते हैं और रेप वगैरह करके मैम की होती है मतलब वो बुरी हालत में मतलब बेहोश वगैरह हो जाती हैं वहाँ से निकल जाते हैं बच्चे बाहर से कुंदी उंदी लगा के और आ जाते हैं भाई वो उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम सी वगैरह कैमरा हुआ नहीं करते थे वो भी सरकारी स्कूल में ठीक है वहाँ से निकल आते हैं और आके बैठ जाते हैं चुप अब किसी को क्या पता है कि कौन उठ के कहाँ गया भाई यहाँ फंक्शन चल रहा है ठीक है फ़ंक्शन वगैरह ख़त्म होता है किसी को कुछ नहीं पता अपने अपने जैसे छुट्टी वगैरह होती है अपने अपने घर निकल लेते हैं कोई पूछता है भी कि मैम कहाँ उन्होंने लगता है कि फंक्शन वगैरह था तो क्या पता घर जल्दी चली गई हूँ या इधर उधर हुई हूँ इस तरीके से कोई नहीं पूछता अब वो बंद रहती हैं उसके अंदर भाई जब उन्हें होश आता है गेट खटखटाती है रात बात होती है तो अब कोई इसमें सुनने वाला नहीं भाई स्कूल में अब उन्हें अपने ऊपर भी इतनी शर्म आई होती है कि बच्चा मेरा रेप कर दिया और इस तरीके से जो वो होता है अपने अंदर एक गिल्ट में होती हैं वो तो भाई जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें अपना सर दे देती हैं वो मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने इस तरीके से और उनकी लाश मिली और पूरे में खून ही खून इसमें वो पूरा मतलब बाथरूम उनके बाल उलझे हुए मिले थे उसमें इस तरीके से और ये चीज़ इतनी इतनी फैल गई थी क्योंकि वहाँ भाई काफ़ी ये चीज़ ये घटना ऐसी थी कि दिल दिला दिया सबको और हमें और स्कूल बंद रहा था आठ दस दिन पूरे दिन एफ वगैरह उनके घर वालों ने खूब वो करा कि पता चलना चाहिए इस तरीके से अब इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे इस चीज़ इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम तो हो जाता है टाइम हो जाता है वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं स्कूल वापस खुलता है धीरे धीरे बच्चा आना स्टार्ट कर देता देते वो लड़कों का पता चलता है वो लड़कों को पता, पता नहीं चलता भाई तब तक पुलिस वो कर रही होती है पर पता नहीं चलता किसी भी हालत में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से क्योंकि भाई सीसीटीवी फ़ुटेज तब थी नहीं सीम कैमरे लगे हुए नहीं थे किसी ने कुछ देखा नहीं था पर कुछ पता नहीं चलता उन्हें ये लगता है कि इसके इसके साथ साथ इन कुछ गलत हुआ है और ने सुसाइड ही ही कर लिया खुद आके उसको एक सुसाइड केस बना दिया था कि इन्हें शायद खुद ही आके अच्छा तो, तो अच्छा बच्चों का पता ही नहीं लगा फैक्टर सामने ही नहीं आया हाँ हाँ ये मतलब वो पुलिस चल, चल रही थी कार्रवाई चल रही थी पर वो निकल ही नहीं पा रहा था किसी तरीके से पर भाई जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं कोई ऐसे हाँ को, तो रेप तो। निकला होगा पर बच्चों को उनमें पता ही नहीं चल पा रहा था वही तो है ना कि मतलब स्कूल वाली अथॉरिटी भी ये सो, कोई सोच भी कर सकता है कि चीज बच्चे कर सकते हैं तो बच्चों पर तो शक बिल्कुल जाएगा ही नहीं तो अब तक तो बात बच्चों बच्चे वैसे कौन सी क्लास में थे उस टाइम भाई ट्वेल्थ के बच्चे थे वो तो भाई फिर इस चीज को जाता है थोड़ा टाइम वापस चीजें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वापस स्कूल खुलना और वापस उसी तरीके से नॉर्मल चीजें होना रूटीन में आना स्टार्ट हो जाती हैं भाई जैसे रूटीन में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं वहाँ होनी शुरू हो जाती हैं अलग अजीब गरीब चीज़ें जैसे किसी का को कोई वॉशरूम गया तो रूम अंदर से लॉक हो गया आवाज़ें आ रही हैं इस तरीके से चीखने की आवाज़ आ रही हैं रात को जैसे रात को जब स्कूल बंद हुआ तो जो चौकीदार वगैरह होता है उसने भी बताया कि यहाँ तो चीखने की आवाज़ आती है लड़की की इस तरीके से ना आवा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गए यहाँ पर तो उस अभी तक के लिए उस वॉशरूम में ही आती थी हाँ उस वॉशरूम में लॉक पे, पे, हो, हो गया किसी बंद हो गया किसी का दरवाजा एकदम बंद हो गया इस तरीके से चीजें होना स्टार्ट हो गई और रात को सो बताता था कि आवाज आती है मैं जब रुकता हूँ यहाँ पे रात को तो इस तरीके से अब क्या होता है जो स्कूल का प्रिंसिपल था भाई उसके सपने में आना स्टार्ट हो गई चीजें वो वो जो औरत जो मैडम थी तुम्हारे स्कूल में मरी हूँ मैं इस तरीके से मरी हूँ और लोग बच्चों ने मेरा रेप किया है या तो मुझे ये जो बच्चे हैं इन्हें ये मेरे हवाले कर दो या फिर अपने स्कूल बंद बंद कर दो मैं या तो तुम्हारे स्कूल बंद करवा दूंगी या सबको परेशान करूंगी अब दो दिन दो तीन बार तो उन्होंने सीरियसली नहीं ली पर अब फिर अब ये होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों को बच्चे को गिरना मतलब उस फ्लोर पर जाकर बच्चे गिर रहे हैं एक आध बच्चे की एक बच्चे ने सुसाइड भी किया वहाँ जाके वहाँ उसे ऐसा फील आता था कि फ्लोर पर जाके ना बच्चों को बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं खुद ही किसी का पैर टूट रहा है एक दो बच्चे मरे भी थे उस दौरान उन्हें ऐसा लगता था कि किसी पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई हमें बुला रहा है पीछे से इस तरीके से तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि इस फ्लोर को ही बंद कर दो पूरा स्कूल तो बंद हो नहीं सकता उस फ्लोर को बैन कर दिया कि इस फ्लोर पर कोई नहीं जाएगा वहाँ प्रॉपर टेपिं, टेपिंग टेपिंग वगैरह कर दी कि इस फ्लोर के ऊपर नहीं आएगा इस फ्लोर के नीचे नीचे क्लासेस लगेंगी इस तरीके से पर फिर भी कुछ चीजें बंद नहीं हुई उसने कहा कि अब तो चीजें अब इस इस चीज को निकल जो है थोड़ा टाइम वो बच्चे स्कूल पास आउट भी हो गए भाई इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे थे वो तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे हवाले करो वरना स्कूल में मैं जीने नहीं दूंगी स्कूल नहीं चलने दूंगी तो फिर क्या किया गया उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट रखते हैं बच्चों को सबको बुलाते हैं और जो बच्चे होंगे भाई वो देख लेंगे जो आप चुन लेना जिसका भी है जो उसके सपने में आती थी वो एलुमनी मीट करवाई गई भाई स्कूल में सब आए उनमें शायद चार पांच बच्चों में जो एक बच्चा नहीं आया था दो तीन बच्चे जो जिन्होंने वो चीज़ करी थी ना तो तो मैम से हाँ एक आधा बच्चा नहीं आया था तो वो जब बच्चे आए भाई उनको प्रॉपर भेजा गया वहाँ पे कि भाई वॉशरूम वो वॉश मतलब वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम में चले गए भाई क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुजरिम जब जुलम करता है तो कोई भी अपराध करता है तो वहाँ पर लौट के जरूर भाई जाते हमने वो करंट करा था देख के आते हैं क्या है किस तरीके से इस तरीके से तो भाई वो वहाँ गए और उन बच्चों के साथ भाई वही चीज हुई उन बच्चों की लाश तक नहीं मिली आज तक ऐसे गायब हुए बच्चे वहां से क्या बात कर रहे हो और ये आज तक ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है भाई ये चीज़ आज तक और वो जो चीज है उसकी आत्मा को अभी भी, भी तृप्ति नहीं मिली क्योंकि एक आध बच्चा वहाँ कम था आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल जिस दिन वो टीचर मरी थी उनके साथ जो घटना हुई थी आज भी उसी दिन सिर्फ अकेला प्रिंसिपल जाता है ऊपर श्रद्धांजलि देकर जाता है उस बाथरूम को अभी बंद किया हुआ उस बाथरूम में अभी कोई यूज नहीं करता वो बाथरूम बंद कर रखा है फ्लोर चालू कर दिया पर वो बाथरूम नहीं बंद कर दिया बट uh, वैसे फिर जो बच्चे गायब हुए तो पता चल गया होगा कौन कौन लोग थे भाई तो हाँ बच्चों को तो पता चल गया था पर फिर यही चीज़ पता चली थी कि उन्होंने जो ये चीज घटना सामने आई ना यही आया कि उन्होंने रेप वगैरह कर दिया था मैम को मारने के पीछे इनका हाथ था इस तरीके से चीजें हुई तो, तो प्रिंसिपल नहीं बताया था कि मेरे को सपने आते हैं इस तरीके से बताया कि मुझे सपने में आके ये सब सब बताया इस औरत ने तो जो बच्चा बचा है उसका भी तो पता लग गया और समझ भी हो जाए तृप्ति नहीं, नहीं मिली अभी भी वो हर साल ना उसे श्रद्धांजलि दिन ऊपर जाता है वो आती है उस दिन आत्मा उस फ्लोर पे अच्छा और आप जैसे उसी एरिया में रहते थे आपको कभी आवाज भाई हमें ना ये बताया गया था कि हमें हमारे हमें ये बताया गया कि इस स्कूल में है और हम जब रात में जब गुजरते गुजरते थे, थे ना तो हमें आवाज वगैरह कमी नहीं आई पर हमें लगता है भाई डर माँ पे अभी जब एक आधबार ना एक आधबार किसी बच्चे ने लाइट जलती हुई और बुझती हुई देखी है कि लाइट जल रही है बुझ रही है जल रही है इस तरीके से बाकी चौकीदार ने बताया चौकीदार बदल गया तीन चार चौकीदार ने क्या बताया वार? कि भाई यहाँ पे आती है आवाजें जब मैं जाता हूँ जैसे कोई कोई कि कोई लाइट बंद रह गई कोई लाइट जली रह गई किसी कमरे की तो जाता बंद करने कह रहा भाई है भाई एक बार लॉक हो गया मैं अंदर खुद ही लॉक हो गया इस तरीके से तीन चार चौकीदार बदल चुके हैं माँ पे रोकने का नाम नहीं लेते कि भाई हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे जस्ट उसी के सामने जिम है एक तो जो जिम जिम बंदा लेट तक करता है ना भाई जैसे दस बजे कोई बंदा कर रहा है दस ग्यारह बजे एक आध बंदा रह गया उसने ही बताया उसके जस्ट सामने कह रहा भाई यहाँ पे तो रात को जब मैं जिम करता हूँ यहाँ पे आवाज आती है कभी लाइट जल रही है कभी बुझ रही है जिम में भी उसका तो एक आध बार ऐसे ही सामने हुआ कि जस्ट एकदम फ्लोर मिला हुआ है अच्छा तो बताता है भाई रात में जिम नहीं करते तो उसका ऑनर भी बोलता है जिम वाला कि भाई रात को लेट नाइट में बताया करो अगर आया करो तो चार पाँच बंदे एक साथ करा करो अच्छा ओके यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रखी हो गई बताओ दिल्ली में इतनी वो हो रखी है और लोगों को पता ही नहीं पर ये बहुत पुरानी बात है हाँ। पर आज तक ये है आज तक भाई ऑन रिकॉर्ड सॉल्व नहीं हुई ये चीज अभी भी एफआईआर वगैरह सब दर्ज हो गई अच्छा तो